हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर एक नया आईआईटी है जो 2008 में स्टार्ट हुआ और आज आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनआईआरएफ की रैंकिंग में नंबर 10 पर आ चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है जो है आईआईटी इंदौर के लिए। अब आईआईटी सबसे पहले इसकी कटअप पे अपन बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक। सबसे पहले बात कर रहे हैं इसकी रैंकिंग पर कि क्यों आपको आईआईटी इंदौर जाना चाहिए। तो सबसे पहले रैंकिंग पर बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपके फिफ्थ रैंकिंग पर है, ये वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग फिफ्थ है और 2020 में एनआईआरएफ रैंकिंग 10 है। बहुत तेज़ी से रैंकिंग इसकी ग्रो हुई है, वर्ल्ड रैंकिंग 55 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। अब अपन कटअप पे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं। पहले एक जनरल आइडिया ले लें आप यहाँ पे। सबसे पहले एक आपको जनरल आइडिया थोड़ा सा दे देते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक जनरल आइडिया है। तो आप थोड़ा सा जनरल आइडिया यहाँ पे ले सकते हैं सभी ब्रांचेज का कि सिविल का क्लोजिंग रैंक ये है, कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक ये है, इलेक्ट्रिकल की ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो आईआईटी इंदौर के साथ में आईआईटी शुरू हुए थे, आईआईटी मंडी और आईआईटी हैदराबाद। देखिए आईआईटी हैदराबाद एक अच्छी लोकेशन के कारण थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल गया, लेकिन उसके बाद आईआईटी इंदौर है और फिर आईआईटी मंडी, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अगली चीज़ है कि सिस्टमेटिक सेवेंथ राउंड के बाद कैटेगरी वाइज कटअप अपन देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल का। तो ये आपके सामने जनरल का कटअप दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 640 से ले के 1000 तक अप्रॉक्सीमेट, इलेक्ट्रिकल में 2100 से लेके 3600 तक। ये मेल का है, ये फीमेल का है, ठीक है। मैकेनिकल में आप देख सकते हैं, बीटेक सिविल में आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल के बाद यहाँ पर देखते हैं अपन ओबीसी का। ओबीसी का आप कटअप देख सकते हैं, ये ओबीसी रैंक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटलर्जी और मटेरियल सबसे ज़्यादा है 2916 से 3712 तक, ठीक है। ओबीसी के बाद आप देखते हैं, इसके बाद एससी, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। एससी के बाद अपन देख लेते हैं एसटी, एसटी का आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ये सारे कटअप यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल अभी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट शायद इस बार से स्टार्ट होंगी, अभी तक नहीं थी तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का कटअप यहाँ पर नहीं आ पाया। चलिए, थैंक यू आईआईटी इंदौर के लिए। आप दूसरे आईआईटी के आईआईटी की डिमांड ज़्यादा है, आप जल्दी से बताएं तो उस आईआईटी के लिए भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और लगातार हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू।